दिल्ली 49 डिग्री के साथ देश में सबसे गर्म, राजस्थान में जलने लगे पेड़, पंजाब में 8 साल का रिकॉर्ड टूटा। हिमाचल के जंगलों में फिर भड़की आग, 24 घंटे में 75 घटनाएं, कसौली और जुन्गा में 48 घंटे से जल रहे हैं वन। अब मोबाइल पर आएगा बिजली बिल, पहले शिमला धर्मशाला के लिए सर्विस, ऑनलाइन भर सकेंगे, मैनुअल भी जमा कर सकते हैं। और 24 घंटे में मिले 2487 नए केस, 13 की मौत, अकेले केरल में हुई 8 मौतें। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में, आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। आज सबसे पहले खबर मौसम की। देश भर में गर्मी का सितम जारी है। राजधानी दिल्ली में रविवार को चिलचिलाती गर्मी और भीषण लू के बीच कई इलाकों का तापमान 49.2 रिकॉर्ड दर्ज हुआ। देश के किसी भी शहर के मुकाबले इस साल ये सबसे ज्यादा तापमान है। इधर यूपी की बात करें तो यूपी के बांदा में भी रविवार को तापमान 49 डिग्री दर्ज हुआ। हालांकि मौसम विभाग ने संभावना ये भी जताई है कि दिल्ली के लोगों को जल्द ही भीषण गर्मी से निजात मिल जाएगी। राजस्थान में भीषण लू का कहर जारी है। झुलसाने वाली गर्मी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जोधपुर में सड़कों पर पानी छिड़कना पड़ा, बीकानेर में तो पेड़ों में आग लग गई, चूरू में सबसे ज्यादा अधिकतम जबकि जयपुर में सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। भारत में रविवार को एक तरफ तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी रही, वहीं कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश का दौर चला। रविवार को दुनिया के 15 शहरों में 47 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान दर्ज हुआ। इसमें 12 शहर भारत और 3 पाकिस्तान के हैं। दूसरी ओर दुनिया के जिन 15 शहरों में रविवार को 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हुई उनमें 6 भारत के हैं। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर आज सुबह तक मानसून पहुंच गया है। हालांकि केरल में 27 मई तक मानसून पहुंचेगा। उत्तर के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 से 3 दिन ओलों के साथ बारिश की भी संभावनाएं जताई गई है। हिमाचल में जंगल फिर धधकने लगे हैं। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में फॉरेस्ट फायर की 75 से ज्यादा घटनाएं पेश आई हैं। शिमला के साथ लगते जुन्गा क्षेत्र और महली के जंगल बीते 24 घंटों से जल रहे हैं। 16 मील के जंगल में भी रविवार रात 12 बजे के बाद भयंकर आग भड़क गई है। लोगों ने आग लगाने का रिकॉर्ड कायम करते हुए करोड़ों अरबों का नुकसान भी कर दिया है। इससे गर्मी इतनी बढ़ रही है कि पर्यावरण में बदलाव साफ दिखाई दे रहे हैं। दमकल विभाग, वन विभाग और स्थानीय लोगों की मदद से 16 मील के जंगल में लगी आग पर तो आज सुबह तक काबू पा लिया गया है, लेकिन जुन्गा और महली के साथ लगता जंगल अभी भी सुलग रहा है। उधर सोलन के कसौली के जंगल में आज भी आग तबाही मचा रही है। यहां पर हेलीकॉप्टर से आग बुझाने के प्रयास जारी है। कसौली में आग बुझाते वक्त 2 दमकल कर्मियों सहित 4 लोग झुलस गए हैं। इनमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है, 4 घायल पीजीआई में उपचाराधीन हैं। प्रदेश भर के जंगलों में आग की इन घटनाओं से लाखों रुपए की वन संपदा और वन्य जीव जलकर राख हो गए हैं। हालांकि बीते सप्ताह प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन 4-5 दिन से प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में वन अग्नि की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही है। आग पर काबू पाने में दमकल विभाग और वन कर्मियों के पसीने छूट रहे हैं। कई जगह स्थानीय लोग भी आग बुझाने में मदद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जंगल में आग लगाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल जंगलों के साथ बसे लोग कई बार अपने खेतों व घासनी में झाड़ियां इत्यादि जलाने को आग लगा देते हैं, जो सूखे की वजह से जंगलों में फैल जाती है। आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में 1 अप्रैल से आज यानी 16 मई तक आग की 1350 घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र जलकर राख भी हो चुका है। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के जंगलों में आग की दर्जनों ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी विभाग को सूचना तक नहीं मिल पाती है। हिमाचल प्रदेश में अब बिजली उपभोक्ताओं को बिल मोबाइल फोन पर मिलेगा। ऐसे में अब हर महीने घर घर बिल काटने वाला कर्मचारी नहीं आएगा। मोबाइल फोन पर हर महीने मैसेज आएगा जिसमें बिल की पूरी डिटेल होगी। बिजली बोर्ड की वेबसाइट www.hpscb.in पर जाकर बिल को ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं।
बिल हर महीने के फर्स्ट वीक में आएगा। बिजली उपभोक्ताओं को अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर संबंधित बिजली बोर्ड के सबस्टेशन या फिर बोर्ड की वेबसाइट पर अपडेट करना होगा। पहले चरण में मोबाइल पर बिजली बोर्ड की सुविधा शिमला और धर्मशाला के उपभोक्ताओं को मिलेगी, क्योंकि मौजूदा समय में स्मार्ट सिटी के तहत प्रदेश के इन जिलों में ही पुराने बिजली मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदला जा रहा है। उपभोक्ता बोर्ड कार्यालय में सुबह 10 से 5 बजे तक कभी भी बिल संबंधी जानकारी बिजली उपमंडल कार्यालयों में ले सकते हैं। उपभोक्ता मैन्युअली भी बिल जमा करवा सकते हैं। बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में बिजली मीटर प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों होंगे। बिल ईमेल व फोन पर समय पर आने से उपभोक्ता समय पर उनका भुगतान कर सकेंगे। वहीं जहां इस सर्विस से उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी, वहीं बिजली बोर्ड को भी फायदा पहुंचेगा। बिजली बोर्ड के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर लोकेश ठाकुर का कहना है कि उपभोक्ताओं को ईमेल और मोबाइल नंबर पर बिल मिलेगा। इसके लिए उपभोक्ताओं से अपील ये की गई है कि वो अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नज़दीकी बिजली सब स्टेशन में अपडेट करवाएं या फिर बोर्ड की वेबसाइट पर खुद अपडेट करें। और अब बात कोविड-19 की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2487 नए केस सामने आए हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हुई है। इनमें से अकेले केरल में 8 मौतें हुई हैं। देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 17,692 हो गई है। शनिवार को 1,913 नए केस मिले थे। फिलहाल भारत में रिकवरी रेट 98.74% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार डेली पॉजिटिविटी रेट 0.59% और वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.66% हो गया है। पिछले 24 घंटे में 2,878 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वालों की संख्या 4,25,00,000 से ज्यादा पहुंच गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 5,24,000 से ज्यादा हो गई है। देश भर में कोरोना से 13 मौतें हुई हैं, इनमें से सबसे ज्यादा केरल राज्य में 8 मौतें हुई हैं। अभी तक कोरोना के कुल 64.46 लाख मामले आ चुके हैं। राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 3,393 है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 69,363 पहुंच गई है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे, जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे।
लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीय लोकनीति.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।